أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear SLS students, welcome to the online class of mathematics 7th class. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है. लेक्चर नंबर 24 में एक्सरसाइज 3.2 जो रिमेनिंग रह गई थी हमारे पास वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं. पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 3 है. कहता है कि हमारे पास रैशनल नंबर है. इनको हमने नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल तक जो है वो हमने सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो 4/3 है. 4/3 को जो है वो हम 4 आपके पास डिवाइड के अंदर आ जाएगा और 3/3 1 × 3. ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 पॉइंट लगाया 0 घटाया तो आपके पास आ जाएगा 0. नीचे आके ये भी 10 हो जाएगा तो अब आपके पास जो है वो 3 × 3 आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा. ठीक है, तो 9 आपके पास आ जाएगा जी. नीचे फिर आप 1 आ जाएगा, फिर 0 1 उतारे नीचे तो आपके पास फिर 3 × आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा. ठीक है जी, फिर आप जो है वो 0 1 और उतार लें. ठीक है, ये आ जाएगा ये 0, फिर 3 × आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा फिर 1. ठीक है, ये देखिए आपको सॉन जो है वो बार बार 3 आ रहा है, तो हमने 3 डेसिमल तक देना था तो 1.33 डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक. ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमने आंसर देना था तो 1.333 आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर आ. ठीक है जी, अब जो है वो हम पार्ट नंबर इसका 3 करते हैं. पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी. पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है जी. पार्ट नंबर 3 कहता है 5/11. ठीक है, 5/11 इसको हम सॉल्व करेंगे जी. सॉल्व जी 5/11. ठीक है, अब इसको 5 भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं. ठीक है जी, अब हमारे पास आ जाएगा 5 अंदर और 11 बाहर. 11 जो है वो बड़ा है और 5 जो है वो स्मॉल में है. ठीक है, तो पॉइंट लगाया ठीक है और 0 को बढ़ा दिया. ठीक है, तो 11 4×44 आ. ठीक है, माइनस किया यहाँ से कैरी गए. ठीक है, ये 10 होना यहाँ से जो है ना वो ये कैरी जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा 10 बन जाएगा. कैरी किया ना यहाँ से तो ये 10 बना, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 4 गए तो 0. ठीक है, फिर हमने एक 0 और लगाया और पॉइंट नीचे ले आया तो ये 60 बना. तो 4 हाउ मच टाइम्स 5 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा. फिर नीचे 5 आ जाएगा तो अगेन 0 उतारे. ठीक है, तो अब आपके पास अगेन 4 टाइम्स क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा. ठीक है जी, 44 आ गया हमारे पास. आप 44 आपके पास माइनस तो ये नीचे क्या बचेगा अगेन 6 बचेगा. फिर हम 0 उतारेंगे और आपके पास 60 आ जाएगा तो 11 5 times आपके पास क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 0 माइनस तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा. ठीक है, फिर 5 आ गया तो फिर 0 उतारेंगे तो फिर 50 बन जाएगा. ठीक है, तो आप 3 डिजिट तक देना है. ठीक है, 3 डिजिट तक आपने जो है वो आंसर देना है. यहाँ पर आपके पास क्या आया 0.4545. ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे आपके पास 0.454 है. तो नेक्स्ट हमें लास्ट डिजिट जो है जो फोर्थ डिजिट है उसको जो है वो हमने देखना है. ठीक है, फोर्थ डिजिट जो है उसको हम देखेंगे अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा. जैसे यहाँ पर क्या है 4545. ठीक है, तो अगर ये 5 है ना ये जो लास्ट डिजिट है ये वाला. ठीक है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमारे पास जो है वो पिछले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा. ये 4 था तो क्या बन जाएगा 5 क्या बन जाएगा जी 5 बन जाएगा. ठीक है, हमने 3 डिजिट तक जो है ना वो आंसर देना है तो 3 डिजिट का हमारे पास आंसर आ गया है. ठीक है जी, आगे देखते हैं. हमारे पास हमने 3 डिजिट तक आंसर दे दिया है. हमारे पास पार्ट नंबर बी देखेंगे. पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी आपके पास है. पार्ट नंबर बी है 10/6. ठीक है, अब आपने सिंपल इसको सॉल्व करें जी 10/6. ठीक है, 10 जो है वो डिवाइड के अंदर आ जाएगा और 6 जो है वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो 6 1 × 6 4. ठीक है, 10 − 6 4 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 0 आ जाएगा नीचे तो 40 बन जाएगा. एंड 6 6 times आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा. माइनस तो नीचे आ जाएगा 4. अगेन हम अगर 0 बढ़ाते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 40 है तो 36 आ जाएगा. ठीक है जी, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा. 6 times हमने ये किया है. ठीक है, फिर 4 आया, फिर हमने 0
बढ़ाया नीचे ले आया, फिर ये 40 बना दो, फिर अगेन 6 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर हम ये फिर आपके पास 4 बचेगा, ठीक है, माइनस करेंगे तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे 40, फिर अगेन 6 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, और अगेन माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा जी। ठीक है जी, अब आपके पास आंसर क्या आ गया 1.666। ठीक है, हमने 3 डिजिट में जवाब देना है, ठीक है जी, आंसर हमें 3 डिजिट में देना था, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक, तो आपने जो है ना 3 डिजिट के बाद 4th डिजिट देखना है, 4th डिजिट जो है वो आपके पास अगर 5 या 5 से अबव होगा तो आपके पास पिछले वैल्यू में एक क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मीन ये जो 6 था लास्ट वाला ये इसमें एक ऐड हो गया, ये 5 से अबव है, 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये 1.67667 आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे हमारे पास हम देखते हैं पार्ट नंबर सेवन ओवर ट्वेल्व आ गया हमारे पास, ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं जी, सेवन ओवर ट्वेल्व आपके पास आ गया, ठीक है जी, अब इसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे, सेवन हमारे पास क्या आ जाएगा और ट्वेल्व बाहर आ जाएगा, ठीक है जी, अब सेवन जो है वो स्मॉल हमारे का ट्वेल्व से, तो पॉइंट लगा के हम जीरो को बढ़ा देंगे, ठीक है, हमने जीरो बढ़ा दिया, उसके बाद हमारे पास जो है 70 हो गया, ठीक है, 70 हो गया, तो 12 हम अगर टेबल पढ़ें, ठीक है, तो 12 जो 3 टाइम्स होता है वो 36 होता है, और 12 5 टाइम्स आपके पास 60 होता है, ठीक है, 12 5 6 टाइम्स जो है वो 72 होता है, तो 5 टाइम्स आपके पास क्या होता है 60, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये आपके पास माइनस, ठीक है जी, 7 0 0 0 7 6 1, ठीक है, फिर हम एक 0 10 जो है वो छोटा है तो हम 0 उतारेंगे, ये 100 बनेगा, एंड 12 आपके पास 8 टाइम्स आपके पास क्या होता है जी 96 होता है, 12 8 टाइम्स 96 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर हम 0 जो है वो माइनस नीचे उतारेंगे तो आपके पास 40 आ गया, 3 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, अब आप देखें फिर 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा 436 आ जाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे बार बार 4 आ रहा है तो ये आगे चलता जाएगा, हमने जो है वो 3 डेसिमल तक जवाब देना है, तो 4 तक हमने डिवाइड कर लिया, 0.58833 हमारे पास अब कुछ वहाँ चलता जाएगा, और हमने जो है वो आंसर कितने डिजिट में देना है, कितने डेसिमल में 3 में, तो हमने 0.58 हमने 4th डिजिट को देखना है, अगर वो 5 या 5 से कब होगा तो लास्ट वाली उससे पिछली वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो लेकिन ये 5 से कम है ना, 5 है ना 5 से अबव है, तो ये 5 से कम है, तो ये पिछली वाली जो वैल्यू है 3 वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो यही आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो बाकी इसके पार्ट्स हैं तो आपने खुद से जो है ना नीट नोटबुक पर सॉल्व करने हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल, हमारे पास कुछ जो है ना वैल्यूज दे दी हैं जो 4, 5, 6 जो है ना डेसिमल तक हैं, तो अब हम जो इनको 3 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 3 डेसिमल तक लेके आना है, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है तो बहुत ईजी है, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है 5.41679, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जी, कैसे सॉल्व करना है जी, 5 हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक, यानी कि पॉइंट के बाद आंसर में 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है, आंसर में कितने डिजिट होने चाहिए 3 डिजिट होने चाहिए, अब हमारे पास देखते हैं कि क्या आएगा, अब हमने ये 3 डिजिट अगर लेके आने हैं तो 4th डिजिट को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम 7th को देखेंगे, हम 7th को देखते हैं तो आपके पास 7 डिजिट जो है वो 5 से क्या है अबव है, अगर ये 5 से अबव है तो पिछले वाली वैल्यू में, ठीक है, यानी कि ये जो 6 है इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या है 5 से अबव है, ठीक है, तो यही आपके पास क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं, पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या कहता है, पार्ट नंबर 3 देखते हैं, पार्ट नंबर 2 आपको दीजिएगा, पार्ट नंबर 3 है 0.925170.925 17, ठीक है, यही है जी,
जी बिल्कुल। अब देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जी 0.92517, ठीक है। तो अब आपके पास जो है हमने 3 डिजिट लेके आना है, तो फोर्थ डिजिट हमने देखा है। फोर्थ डिजिट क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और 1 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है, स्मॉल मेरे गए, तो पिछले वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वो वैसी की वैसी लिखी जाएगी। और ये हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जो है वो उसका आंसर लिख दिया है, ठीक है जी। आगे हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर आ जाएगा जी। पार्ट नंबर हम देखते हैं, पार्ट नंबर 5, एंड 5 का आपके पास है 0.74206, ठीक है, 4206 ये हमारे पास है। इसको हम सॉल्व करते हैं जी, इसको सॉल्व, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो है वो आंसर 0.74206 जो है इसके अब जो है हमने इसके 3 डिजिट तक जो है वो ले भी जाना है, तो हमने फोर्थ डिजिट हमने नोट करना है। फोर्थ डिजिट क्या है जी, 0। तो 0 जो है वो 5 से कम होता है, तो पिछले वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यही आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब आपने जो बाकी पार्ट्स हैं वो खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी पार्ट्स क्या करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लें एक्स्ट्रा सॉल्व के तौर पर, ठीक है। अगर हमारे पास 0.49651 आ गया, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 0.49249। अब हमने फोर्थ डिजिट इसमें क्या है, 6 है। फोर्थ डिजिट इसमें क्या है, 6 है। अब हमारे पास 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम 6 को जो है ना वो 5 करते हैं, ठीक है। 6 को क्या करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 5 है, हमने ये देखना है 3 डिजिट तक लेके आना, तो ये 5 है, तो 5 हमारे पास क्या है ना, तो ये 5 जो है वो खुद 5 है, ये 5 हमने तो बोला था कि 5 से बड़ा होगा, तब जो है हमने पिछले डिजिट में 1 प्लस करना है। जबकि हमारे पास 5 है, अगर यही भी हमारे पास 4 डिजिट में आ जाता है, तो भी हम पिछली वाली वैल्यू में 1 ऐड कर दें। समझ आ गई मेरी बात, 5 या फिर 5 से बड़ा हो तो पिछली वाली वैल्यू में 1 ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना, एक्स्ट्रा। तो आपकी जो है 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, से स्टे ब्लेस्ड।